आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। अखिल भारत हिंदू महासभा CAA जो कानून बना चुकी है उसे यह स्थित रखने राजभवन के सामने धरने पर बैठी महासभा CAA NRC और NPR का समर्थन कर रही है। धरने में मौजूद धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि सर्जिल इमाम, फैजुल हसन, ओवैसी बंधु जैसे लोग AMU जीमिया मिलिया, यादवपुर, मद्रास, केरल विश्वविद्यालय में खुले आम इस्लाम राष्ट्र बनाने का प्रयोग शाला बना चुकी है। देश के तमाम इलाकों में हिंसक विरोध को ऊर्जा देने वाले PEI, ISISI जैसे संगठन सक्रिय हैं। ये संगठनों ने CAA को एक अवसर के रूप में लेकर इस्लामी राष्ट्र बनाने का बीजारोपण शुरू किया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने देश के हित में कानून बनाए हैं जो लोगों को राहत देगा, अतः हम सरकार के कानून का समर्थन करते हैं। इसका कारण है कि हिंदुत्व अभी हम लोग का खतरे में है और इसी हिंदुत्व के खतरे के लिए जितने भी भारतीय मुस्लिम को इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ का कानून ये बोलती है NRC ये है, आप NRC पे बात किए हैं, NRC ये है कि भारत के जितने मुस्लिम हैं इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहरी मुस्लिम है उनको तो भागना पड़ेगा और वो हम उनका मैं इसलिए समर्थन करता हूँ कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का सबका जितना विकास होगा उसका हिस्सा वो लोग भी यहाँ पे आधार कार्ड बनवा के ले रहे हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ कि इनको भगाया जाए यहाँ से। कोई राज्य सरकार की पावर ही नहीं है कानून में तो NRC को लागू नहीं करे, नहीं तो उनको कानून जिस संविधान के कानून को बोलते हैं कि ये संविधान अम्बेडकर जी का है उसी कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो लागू नहीं करेंगे तो उनको बर्खास्त केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएंगे। नहीं, वहाँ NRC मुद्दा नहीं है, वहाँ फोकट में खाने वाले की संख्या ज्यादा हो गई है। मैं तो सुना कर रहा था दिल्ली दिलवालों का है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब कि दिल्ली भिखारियों का है, इसलिए वहाँ हार हुई है कि वहाँ जीरो पे आ गई है कांग्रेस, उसका जो वोटर बैंक है वो कमा है। अगर वो बड़ा होता तो BJP निकल जाती, 40% वोट पाई है, BJP तो बढ़ी है 3 से 8 हुई है। जरूर वोट बैंक कहीं का भी देख लीजिए, 63 सीट पे BJP 28 सीट पे BJP 1000 वोट से भारी है। शाहीन बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही है, यहाँ रांची में भी देखा जा रहा है कि हज हाउस के समीप महिलाएं जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो आप लोग समर्थन में आगे खड़े हो? देखिए फंड जो PFI का आ रहा है तो पूरे इंडिया में सऊदी अरब से जितने कंट्रीज हैं